सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है, हमारे साथ सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब क्या कुछ कहेंगे इस फैसले के बारे में? देखिए आज ऐतिहासिक दिन है, पूरी दुनिया आज दीपावली मनाएगी, अभी दीपावली की वो तो छुट्टी पर जाएगी। आज 9/11 ऐतिहासिक दिन है क्योंकि एक तरफ सिखों का करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुल रहा है और यहां मंदिर के लिए जमीन दे दी गई, मंदिर डिसाइडेड कर दिया गया, रामलला का मंदिर वहीं बनेगा और 5 एकड़ जमीन मुस्लिम समाज को दी जाएगी, तो मस्जिद भी बनेगी अलग जगह पर, मुस्लिम समाज मस्जिद बनाएगा और 3 महीने का टाइम दिया है भारत सरकार के लिए कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का निर्माण करे, ट्रस्ट के आधार पर उस मंदिर का निर्माण करे और निश्चित तौर पर कोर्ट ने जो सबूतों की बात करें, तथ्यों की बात करें, उसके आधार पर 12वीं सदी के जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी उसको मेन रूप से माना है। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि 12वीं सदी में मस्जिद के कोई सबूत नहीं थे, कोई सबूत तथ्य नहीं थे उस समय, तो इसका मतलब बाबर आतताई था, आतंकी था, उसने मंदिर को तोड़कर, राम मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया। और वास्तव में केवल अयोध्या में नहीं, इसी तरह काशी में भी हुआ था, इसे मथुरा में जहां कृष्ण जन्मभूमि वहां भी इसी तरह से हुआ था और सोमनाथ जहां शंकर जी का विशाल मंदिर था वहां भी ऐसे ही हुआ था। पुराने मंदिर को तोड़ दिया, खंडित कर दिया गया और मस्जिद बनाई गई और धीरे धीरे भारत में फिर से अपनी पुनर्प्राप्ति हो रही है। और क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश रहा है, भारत ने सोने को चिड़िया जगत गुरु रहा है और सार्वभौमिकता का सिद्धांत रहा है, इसलिए उसी आधार पर 5 जजों की बेंच ने बहुत अच्छा निर्णय दिया। सभी को शांतिपूर्वक सौहार्द के साथ उस निर्णय को मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए क्योंकि यह जरूरी है कि हमारा देश गंगा जमनी सभ्यता का देश रहा है। जब गंगा जमनी सभ्यता हमारी रही है तो उसमें मंदिर निर्माण भी होना चाहिए और दूसरी जगह पर वैकल्पिक जगह जैसे अन्य नगरों में मस्जिद है वहां पर कोई किसी को आपत्ति नहीं, आपत्ति थी मंदिर की जगह पर, आपत्ति थी राम जन्मभूमि पर। और जब लोग मानते हैं कि रामलला दशरथ के पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके भाई थे, शरयू है, सीता माता नेपाल से शादी होकर अयोध्या में आई और लंका वाले कह रहे हैं कि अयोध्या के श्री राम आए थे हमारे यहाँ लंका, जब सब कुछ एविडेंस है, इंटरनेशनल एविडेंस है, उसको नकारा नहीं जा सकता, उसी आधार पर इसमें कोर्ट ने उसको माना है। क्या इस फैसले को आखिरी माना जाए या कुछ और भी ऑप्शंस हैं इसमें, आगे कुछ और ऐड हो सकता है इस फैसले में? नहीं देखिए, कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो निश्चित तौर पर अगर इस फैसले से कोई आहत है तो इस फैसले के अगेंस्ट 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है और यही 5 जजेस की बेंच है, रिव्यू पिटीशन को सुनना पड़ेगा। और उसके बाद अगर रिव्यू पिटीशन में भी उसको रिलीफ नहीं लगता है उसके हिसाब से, पिटीशनर अपीलांट के हिसाब से, तो वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस फैसले के बाद कोई रिव्यू पिटीशन या क्योरेटिव पिटीशन पढ़ने की कोई चांस है और कोई व्यक्ति आहत है, सभी व्यक्तियों को फायदा हुआ, सभी व्यक्तियों को लाभ हुआ है। मुस्लिम बोर्ड सेटिस्फाई है इस फैसले से? हमें तो लगता है क्योंकि 5 एकड़ जमीन उन्हें निर्विवाद, क्योंकि विवाद में कोई नहीं पढ़ना चाहता। इस देश के जो मुस्लिम, सब हिंदू मुस्लिम मिलके रहते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि मंदिर निर्माण हो। और मैं तो भारत सरकार योगी सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि मंदिर के निर्माण में जो मुस्लिम का बना आर्किटेक्चर है, बनाने वाले हैं, निर्माणकार राजमिस्त्री हैं, उनका प्रयोग करें और शिलालेख में वर्णित करें कि इस कारीगर ने इस मंदिर के निर्माण में ये योगदान दिया, वो भी ऐतिहासिक हो जाएगा। पूरी दुनिया के लोग आएंगे, अरब कंट्रीज के भी आएंगे, देखिए मुस्लिम का योगदान रहा और मंदिर का निर्माण किया, और मस्जिद के निर्माण में हिंदुओं का साथ लेके वहां मस्जिद का निर्माण किया जाए, जो देश की सार्वभौमिक बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो यहां पर भी होना चाहिए। तो मुस्लिम बोर्ड को जो जमीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए, क्या कुछ खास एरिया तय किया गया है या कुछ खास समय बताया गया है कि इस समय तक इन्हें दे दी जाएगी? जो बोर्ड बनेगा 3 महीने में, बोर्ड जो बनेगा 3 महीने के बाद बोर्ड डिसाइड करेगा कहां पर क्या जमीन किस तरह, वैकल्पिक जमीन देने की बात कही गई, वैकल्पिक जहां उनसे बैठ के बात होगी, जहां उन्हें लगता है, जहां उनकी आस्था ज्यादा है, श्रद्धा ज्यादा है, विश्वास ज्यादा है, वहां उनकी मस्जिद का निर्माण होना चाहिए, भव्य मस्जिद का निर्माण होना चाहिए और भव्य रामलला जो अभी तक टेंट में थे वो टेंट से हटकर अपने मंदिर में पहुंचे, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आज ये बहुत बड़ी दिवाली का अवसर है, पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भव्य दिवाली का है, क्योंकि एक तरफ करतारपुर कॉरिडोर साहब सिख समाज के लिए मिल रहा है, एक तरफ मस्जिद के लिए, मुस्लिम समाज के लिए मस्जिद मिल गई है और एक तरफ रामलला को राम जन्मभूमि मिल गई है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सिंह, जिन्होंने सत्य खबर से खास बात की और साफ तौर पर यहाँ पर स्पष्ट भी किया गया है कि फैसला जो आया है वो हिंदू पक्ष में आया है और मुसलमानों को भी, मुस्लिम बोर्ड को भी 5 एकड़ जमीन दी गई है कि वो हंसी खुशी अपनी मस्जिद बनाए वहाँ पर, और अपनी मस्जिद का निर्माण करने के लिए उन्हें 3 महीने का समय दिया गया है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ जुहैब अहमद, सत्य खबर, दिल्ली। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।